नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम्पल स्टडी में। आज की वीडियो में लेकर के आए हुए हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले UPSC एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। आज की वीडियो हमारा चैप्टर रहने वाला है सरनाम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं आपको लगातार चैप्टर वाइज हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें लगे था अभी तक मेरे 37 से 38 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, वो अभी तक आपने नहीं देखी तो वो आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको चैप्टर वाइज वो भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है, जिससे पता चल जाएगी आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा कुछ ना कुछ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो इनमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा जो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो इनमें निजवाचक का क्या है, ये तो ये हो जाएगा आप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई है अनिश्चयवाचक का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह है मेरी किताब, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो इसमें हम है वो है पुरुषवाचक सरनाम का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अपने आप बात साफ कर लेता हूँ, इस बात में कौन सा सरनाम है? तो इसमें निजवाचक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधूरे के शब्द का सरनाम का प्रकार लिखिए। तो इसमें स्वयं हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सरनाम से संबंधित नहीं है? तो इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सरनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सरनाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो, वह है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें स्वयं है वो निजवाचक का भेद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, इस वाक्य में आदुरों के शब्द का सरनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सरनाम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं अपना काम आप करूँगा, इस वाक्य में अधोरेखित के शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो आप है निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित के शब्द का सरनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने आप को, निजवाचक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित के शब्द का सरनाम किस प्रकार का है? स्वयं, तो ये निजवाचक का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैं सरनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें संबंधवाचक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित के शब्द का कौन सा प्रकार है? तो इसमें प्रकार है संबंधवाचक का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से निश्चयवाचक सरनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चय, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यह है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सरनाम का उदाहरण नहीं है? तो प्रश्नवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है उसको, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाहर कोई आया में कौन सा सरनाम है? तो देखो बाहर कोई नहीं है, तो इसमें आया अनिश्चयवाचक सरनाम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सरनाम का प्रयोग हुआ है? तो किसमें प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है पुस्तक किससे मंगवाऊँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सरनाम की उपयुक्त भाषा कौन सी है? तो सरनाम की उपयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। अगला है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया?
तो किस विद्वान ने किया, तो ये किया था डॉक्टर दीमसित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में आदोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका राइट आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो इसमें कौन है सर्वनाम शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो किस में प्रयोग हुआ है निजवाचक का, तो ये यह समस्या मैं आप ही कर लूँगा। तो आप शब्द वो निजवाचक के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, तो सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, तो गुणवाचक है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर उसका भाई पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक धन्यवाद, जयंत साथियों।